कहानी का नाम पंच परमेश्वर, लेखक मुंशी प्रेमचंद, कथक अंजलि कश्यप। चुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साचे में खेती हुआ करती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। चुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो चुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे, और चुम्मन के पिता चुनरात्री उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। चुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी, उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संविधियों में कोई ना था। चुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। चुम्मन की पत्नी करीमान रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। चुम्मन शेख भी निठोर हो गया। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब चुम्मन से शिकायत की। चुम्मन ने गृह स्वामी के प्रबंध पर दखल देना उचित ना समझा। कुछ दिन तक वो भी रो धोकर काम चलाता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निफा ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। चुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या ये फलते हैं? खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। चुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाएगा, मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। चुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो आज तीन सवाल हुए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे चुम्मन के नाम लिखवा दी। चुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है ना तन का कपड़ा, मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो मैं उसी राह चलूँ, मैं पंचों की बात सिर मिथ्ये चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न पर चुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन, तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं इन्हीं को सरपंच मानती हूँ। चुम्मन शेख अंदर से फूल उठे, परंतु मन के भाव को छुपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी सही, अलगू चौधरी सरपंच हुआ। उन्होंने कहा, शेख चुम्मन हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों मेरी निगाह में बराबर हो। चुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने चुम्मन से जिरा शुरू की। चुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है, अभी तो ये मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो? चुम्मन ये सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। चुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। इन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को महावरी खर्चा दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्चा देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए।
फैसला सुनते ही चुमन सन्नाटे में आ गया। अलगू के फैसले की सभी प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले ने अलगू और चुमन की दोस्ती की जड़ हिला दी। चुमन को ये फैसला आठों पहर खटकने लगा। वे इस तक में थे किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही चुमन के हाथ लगा। अलगू चौधरी बट सर से पहलो की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। देवयोग से चुमन की पंचायत के एक महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? गांव में समझू साहू थे, उन्होंने एक महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नए बैल पाए तो लगे तारे न चारे की फिक्र न पानी की। वो दिन में तीन तीन चार चार खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर वो आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैलों का दाम मांगने जाते तब साहू सवाएं दोनों झल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं। इसी तरह कई बार झगड़े हुए पर साहू जी ने बैल का दाम ना चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से चुमन शेख। चुमन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा थक थक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए चुमन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जो भर भी अटल मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। चुमन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिए गए और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाए उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद चुमन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी भरी हो गई।